इस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार सा है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे यदि एग्जॉस्ट फैन का तार कॉइल से टूट जाए और मिसमैच हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए इजी तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। वर्क नहीं कर रहा है, इसको खोल कर देखेंगे कि इसमें अंदर क्या खराबी है। को चेक करने के लिए हम लोग सीरीज लाइन का यूज़ करेंगे और सीरीज लाइन से ये चेक करेंगे सबसे पहले तार उसका और उसके बाद इसका कॉइल। देखिए इसमें एक तार टूटा हुआ है और सबसे पहले हम लोग तार चेक करेंगे तार ठीक है या नहीं। प्लेट वायर भी ठीक है, इसका मतलब हमका जो एसी कोड है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से जो ये रेड वायर टूटा हुआ है, कनेक्शन जो टूट चुका है, ये कहाँ का है ये हम लोग को पता है। हम लोग को अब कॉइल चेक करने के लिए जो पहला ब्लैक वायर है वो तो कनेक्टेड है ऑलरेडी, और ब्लैक वायर का बगल में जो कॉइल है लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों को थोड़ा थोड़ा करके स्क्रैच करेंगे। हम लोग इसलिए स्क्रैच कर रहे हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ हम लोग को उस साइड रेड वायर को कनेक्शन देना है। तो दोनों साइड स्क्रैच हो चुका है, अब हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग सीरीज लैंप का यूज़ करेंगे, पहले ही बोल चुके थे। तो सीरीज लैंप का एक वायर ब्लैक वायर में जोड़ना है और जो दूसरा है वो जो दोनों साइड स्क्रैच किए थे वो दोनों साइड में मिलाकर देखना है जो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिसमें जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हम लोग को वही सप्लाई देना है रेड वायर। ये राइट साइड का रेजिस्टेंस का ग्लो है बल्ब में और ये लेफ्ट साइड का बल्ब का रेजिस्टेंस है जो कि लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है जिसके कारण बल्ब थोड़ी धीमी जल रही है। और जो सप्लाई है हम लोग को यही इसी में देना है। चेक किए थे सीरीज लैंप से और सीरीज लैंप में बल्ब ज़्यादा ग्लो हुआ और कम ग्लो हुआ दोनों, इसका यही कारण था कि रेजिस्टेंस कम था या बेसी था। राइट साइड में रेजिस्टेंस कम होने का कारण बल्ब काफ़ी ज़्यादा जल रहा था और जो लेफ्ट साइड में हम लोग चेक किए थे उसमें बल्ब काफ़ी कम धीमी चल रहा था, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और एग्जॉस्ट फैन में जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड पंखा। तो चलिए जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें हम लोग वायर का कनेक्शन करेंगे। जिस कॉइल में रेजिस्टेंस ज़्यादा था उसमें जोड़ेंगे जो कि ये कॉइल है हमारा लेफ्ट साइड में। और अब हम इसे सोल्डिंग करेंगे, दोनों वायर को सोल्डिंग करना है।
हमने दोनों वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम इसका बॉडी चेक करेंगे और कॉइल चेक करेंगे दोनों। सबसे पहले इसका बॉडी चेक करेंगे, बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है इसका मतलब बॉडी ठीक है, और बल्ब ग्लो हो रहा है इसका मतलब कॉइल ठीक हो गया है। अब इसे सेट कर कर बॉडी को चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चल रहा है पंखा। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से एग्जॉस्ट फैन को यदि कॉइल से तार टूट जाए तो उसको रिपेयर किया जाए इसी तरीके से। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको यूँ मिलता रहे।